चर्चा ये है कि कानपुर वाले विकास दुबे की गाड़ी पलटाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह से पलटी हुई गाड़ियों से साफ सुथरा निकल जाने की आदी हो चुकी है। यही कारण है कि जब तक 2-4 महीने में एक आध गाड़ी पलट ना जाए, तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस को चैन नहीं आता। इसी की डर से देखिए इस वीडियो में कैसे ये भाई साहब पैदल ही जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का लापता हो जाना अब उत्तर प्रदेश पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं विकास दुबे की गाड़ी पलटने वाले एक्शन मोड को दोबारा से दोहराने की नियति दिमाग में पैदा कर रही होगी। यकीन नहीं आता तो देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। कहां छुप गए जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह? बाहुबली कहलाने वाले धनंजय की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस ढूंढ रही है, खुफिया विभाग उन तक पहुंचने का जरिया तलाश रहा है, लेकिन कमबख्त धनंजय सिंह है कि हाथ लगने को तैयार नहीं है। जौनपुर पुलिस के कप्तान ने अपनी टीम को अलर्ट मोड में डाल दिया है। उधर लखनऊ पुलिस ने पहले से ही कमर कसी हुई है। ऐसे में अब ताज़ा रिपोर्ट में पता चला है कि धनंजय के रिश्तेदारों ने भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है, लेकिन धनंजय के विरोधियों की खुशी का ठिकाना तो नहीं होगा। माना भी जा रहा है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह किसी न किसी पुराने मामले में खुद को कोर्ट में सरेंडर करने की भी सोच रहे होंगे, और इसी के संबंध में उनके वकील ने ये संकेत दिए हैं कि वो हाई कोर्ट जाकर के अरेस्ट स्टे के लिए भी सोच रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डर गया जौनपुर का बाहुबली? ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।